हमारी बेडशीट से मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर। इस ऑर्गेनाइजर को आप अलमारी में कपड़े ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग पर जाते हुए प्रेस किए हुए कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इससे आपके कपड़ों की प्रेस बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आप इसमें अपनी साड़ियाँ रख सकते हैं और हर तरह के कपड़े को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें किसी भी पुराने पर्दे या कोई भी पुराना कपड़ा जो आपके यूज़ में ना हो उसे यूज़ करके ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह का एक राइस बैग लिया है। आप इसकी जगह फॉर्म शीट ले सकते हैं। अब मैं इस राइस बैग को यहाँ से कट कर दूँगी। देखिए मैंने ये राइस बैग कट कर लिया है। सबसे पहले हमने राइस बैग में से ये एक 13 बाय 13 इंच का एक पीस ले लिया है, राइस बैग में से कट कर लिया है। और ये 11 बाय 11 इंच के चार पीस कट कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह राइस बैग में से चार पीस हमने 11 बाय 11 इंच के कट कर लिए और एक पीस 13 बाय 13 इंच का कट कर लिया हमने राइस बैग में से। अब इसी तरह हम इसमें से बेडशीट में से 13 बाय 13 के दो पीस कट करेंगे और 11 बाय 11 इंच के आठ पीस कट करेंगे बेडशीट में से, क्योंकि बीच में आएगा और इसके दोनों साइड ये बेडशीट का कपड़ा लगेगा। इसी तरह इसके हर पीस, ये पीस बीच में आएगा और उसके दोनों तरफ बेडशीट का कपड़ा लगेगा, इसलिए हर पीस के लिए दो दो पीस काट करने हैं। हमने आठ पीस हमने इसमें से 11 बाय 11 इंच का कट करने हैं और दो पीस 13 बाय 13 इंच के कट करेंगे हम बेडशीट में से। देखिए हमने इसे बेडशीट में से एट पीसेस इसके काट लिए हैं 11 बाय 11 इंच के और टू पीसेस 13 बाय 13 इंच के काट लिए हैं इसी साइज के। अब हम ये 13 बाय 13 इंच का पीस है राइस बैग का, इस पहले एक बेडशीट का कपड़ा रखेंगे, फिर राइस बैग और फिर इस तरह से ये तीनों पीसेस एक ही साइज के हैं 13 बाय 13 इंच के। और ये देखिए इस तरह से रख लिया हमने। अब हम इसे इस तरह से इनको जोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे, इनमें सीधी सिलाई लगा लेंगे और ऐसे चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लेंगे, इन्हें आपस में जोड़ लेंगे। और इसी तरह जो ये फोर पीसेज हैं 11 बाय 11 इंच के और ये भी इसी साइज के हैं एट पीस, अब हम एक रखेंगे इसे इस तरह से जैसे इसे रखा था इसी तरह रख के इनमें भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारे चार पीस इस तरह के तैयार हो गए चार, और एक पीस इस तरह तैयार कर लिया हमने 13 बाय 13 इंच और 11 बाय 11 इंच के ये चार पीस हमने तैयार कर लिए हैं। हम इसे एक साइड रखते हैं। अब हम इसे यहाँ से सेंटर में इस तरह करेंगे और यहाँ से हल्की सी गोलाई दे देंगे, गोलाई दे देंगे इसे और फिर इसे कट कर लेंगे। देखिए हमने पीस कट कर लिया ऊपर से, इस तरह हम बाकी पीसों को भी ऊपर से इस तरह करके गोल कटिंग कर लेंगे इसी साइड में, इन चारों पीसों को भी कट कर लेंगे। देखिए चारों पीसेज में हमने इस तरह से गोल कटिंग कर ली, ऊपर से हल्की हल्की सी गोल शेप दे दी है ये चारों पीसेज में। देखिए अब मैंने 1.5 इंच चौड़ी एक और पट्टी तिरछी पट्टी काट कर ली है जिसे हम पाइपिंग बनाते हैं। अब हम इस तरह से इसको यहाँ से रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से गोलाई के हिस्से में, और इस तरह से ऐसे एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए हम चार तरफ की सिलाई लगा ली है, इसकी तीनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस उल्टी तरफ इस तरह करेंगे और ऐसे करके उल्टी तरफ मोड़ के एक एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे, इस तरह से पूरी सिलाई लगा लेंगे इसे पीछे की तरफ मोड़ते हुए, इससे हमारे यहाँ पे पाइपिंग बन जाएगी। देखिए इसे चार तरफ हमने सिलाई लगा ली है और ये पाइपिंग बन गई है इस तरह से, इस तरह उल्टी तरफ से इस तरह। इसी तरह हम बाकी के थ्री पीसेस में भी इसी तरह पाइपिंग इस तरह तैयार कर लेंगे, इसे पाइपिंग लगा के इन थ्री पीसेस को भी तैयार कर लेंगे। देखिए हमने फोर पीसेस इसी तरह पाइपिंग लगा के तैयार कर लिए, ये हमारे फोर पीसेस तैयार हो गए देखिए इस तरह से। अब हम देखिए एक पीस हमने जो 13 बाय 13 इंच का तैयार किया है, अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट का निशान लगा देंगे और एक कट इस सेंटर में। इसी तरह फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक निशान कट कर लेंगे यहाँ पे सेंटर में और इस तरह इधर से भी कर लेंगे। हमने इस तरह से कट कर लिए चार। अब हम ये एक पीस लेंगे
इसे भी फोल्ड करेंगे ऐसे नीचे से, और एक इस सेंटर में भी कट कर लेंगे। यानी कट कर लिया, अब हम इस कट को कट्स पे रख के इस तरह एक सिलाई लगा लेंगे। इसका कट और इसका कट मिलाते हुए एक सिलाई इस तरह लगा लेंगे, एक इस तरह से लगा लेंगे, एक सिलाई सेंटर में रख के इस पे लगा लेंगे, और एक सिलाई इसे इस तरह लगा लेंगे। चार पीसों को इस तरह जोड़ लेंगे सिलाई करके, सेंटर से सेंटर मिला के सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने चारों पीसों को इस तरह से इस पे सेंटर वाले पीस पे जोड़ लिया है सिलाई करके। देखिए इस तरह से इसका सेंटर और इसका सेंटर मिला के सिलाई लगा लिए। इसी तरह इन थ्री पीसेस में भी इस तरह किया है, चारों पीसेस इसमें जुड़ गए हैं। अब इस तरह से एक और एक पट्टी, ये अब हमने इस तरह से ये डेढ़ इंच की चौड़ी और एक पट्टी जो पाइपिंग लगाते हैं, हम इस पट्टी को कट कर लिया है बड़ी सी पट्टी। और हम इस तरह से इसे रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे चारों तरफ इसके। इस तरह एक सिलाई लगा लेंगे इसे, इस पे लगाते हैं सिलाई लगा लेंगे। देखिए चारों तरफ हमने ये सिलाई लगा ली है, पट्टी इस पे जोड़ दी है, चारों तरफ एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पीछे मोड़ते हुए पाइपिंग बना लेंगे। देखिए इसके चारों तरफ हमने पाइपिंग ये सिलाई करके पाइपिंग लगा ली है इस तरह से। अब ये मेरे पास वेलक्रो है, ये आपको किसी भी टेलरिंग शॉप पर आसानी से मिल जाती है। इस तरह से मैं ओपन करूँगी इसे और एक यहाँ पे सिलाई से लगा लूँगी, और दूसरा इसके ऊपरी वाले हिस्से में यहाँ पे सिलाई से लगा लूँगी इसे। इसी तरह यहाँ पे भी वेलक्रो लगा लूँगी, आप चाहें तो टिच बटन लगा सकते हैं। देखिए हमने चार इसमें सब में वेलक्रो लगा ली है, इसमें भी, इसमें भी, और इन दोनों में भी। देखिए अब हमारा बिल्कुल रेडी है ऑर्गेनाइज़र, अब हमारा बिल्कुल ऑर्गेनाइज़र रेडी है। मैं इसमें आपको आप कपड़े रखकर बताती हूँ कि इसमें आप कपड़े कैसे रख सकते हैं। देखिए हमने इसके इस तरह इसे खोल के सेंटर में इसके इस तरह कपड़े लगा दिए हैं। आप इसमें अपने प्रेस के कपड़े रख सकते हैं, अपनी साड़ियाँ रख सकते हैं, या कोई भी कपड़े रख सकते हैं। उनकी तय बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और प्रेस भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसी तरह आप ट्रैवलिंग में जाते हैं, जब आप कहीं बाहर घूमने जाओ तो इस तरह से प्रेस करे हुए कपड़े रख के ले आ सकते हैं, आपकी प्रेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप इस तरह से अलमारी में ऑर्गेनाइज करने के लिए कपड़े इस तरह ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अब देखिए मैंने इसके बीच में कपड़े रख लिए हैं, अब हम इसे इस तरह करेंगे। ये देखिए इस तरह बांध लगाया इस तरह, और ये हमारा इस तरह तैयार हो गया पूरा। देखिए ये ऑर्गेनाइज़र बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।